लाई हूँ कि नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है? डोंट नो, एक सेकेंड। क्लियर हुई है? अगर वीडियो क्लियर हो गई हो तो जरा मुझे बता दें। आई थिंक सो, इट्स क्लियर। हाँ, विच फाउंडेशन इज, एक सेकेंड हबीबी, हया हया, ठीक है। इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू, इट्स ओके। जान प्लीज जरा वो कर दें, मैसेज कर दें जिस जगह पे ऑर्डर करनी है चिट्टी क्रीम। अच्छा, अब मैंने बेस क्योंकि लगा ली है, अब मैं इसको सेट कर रही हूँ, और मैं इसको सेट करूंगी जी, परली ये साथ ही कर लूँ। ठहरे, वेयर इज द परली, वेयर इज द परली, यू हैव लॉस्ट वेट, यस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। जान मैं करती हूँ अब पेन कमेंट। बस अभी होना है, अभी थोड़ी सी होनी है, अभी और होना है। अच्छा, अब मैं अपने अंडर आईज को जरा सेट कर लेती हूँ पाउडर के साथ, ताकि अच्छा। और जो आपकी अरेबिक लुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंसीलर भी नहीं लगाना होता आपने, सो द कलर, फाउंडेशन ब्रश कौन सा बेस्ट है? मॉर्फी का फाउंडेशन ब्रश बहुत अच्छा है, हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश बहुत अच्छा है। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटी जो ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स धोने हैं और फिर इस पैकेट में आज डाल देना, हाँ, जी। क्योंकि वो बेचारे सारे जो है ना वो हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी, वीडियो क्लियर है? अब देखें, अब मैं आप लोगों को वो ट्रिक बता रही हूँ जिससे मैं आपको बता रही थी कि आप लोग जो है वो जूली फ्रॉम, मैं मुझे ज़िंदगी में वैसे भी और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ चीज़ों को और लोगों को इग्नोर करती हूँ। और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, वो मुझे वैसे ही बहुत एनर्जी देते हैं, इसलिए जिन्हें नेगेटिव कमेंट करने निकाल लो मैंने कोई फ़र्क नहीं पैदा, कसम ना, तुझे अपना ही वो खा रहे होते हो ख़ानदान और तरीक़ेकार। सो दिस इज़ मालीज ब्यूटी की ब्लैक पेंथर पेंसिल, और इसके ऊपर ऑफ नहीं है, और बिकॉज ये हमारी नई वाली पेंसिल्स में से है। बच्चे वो दे मुझे शार्पनर, दे, गुड गर्ल, थैंक यू सो मच। और मैं इस ब्लैक पेंसिल को इस तरह से लगा रही हूँ, और मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ ऐसे, एंड देन इस पेंसिल को मैं ब्लैक पेंथर, आई वॉन्ट ब्लैक पेंथर बाय मालिनी, हाँ बहुत प्यारी पेंसिल है ये,
और ये मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ. सो और मैं उसके बाद इसको ब्लेंड करूंगी. ये पेंसिल वाटरप्रूफ है जी, ये पेंसिल वाटरप्रूफ है जी, बिल्कुल वाटरप्रूफ है ये. अब मैं अपनी बाकी आईज जो है उसको कंप्लीट करूंगी, बिकॉज मेरा अब जो आईज वाला मतलब बेस वगैरह जो है वो ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ था. अब मैं अपनी आईज को जो है वो थोड़ा सा और कंप्लीट करूंगी. सो यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर चाहिए है, इसको मैं ब्लेंड करूंगी. मुझे वो बड़ा वाला पैलेट दे मुझे, ब्लैक वाला. एंड इट ब्लेंड सो वेल एज यू ऑल कैन सी. बेस कौन सी लगाई है मेरी जानू, पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा, इसमें मैं नहीं बता सकती कि मैंने बेस कौन सी लगाई है. और एंड में फिर मैं आप लोगों को चिट्टी क्रीम के बारे में भी बता दूंगी. सो एक सेकेंड मुझे इसको पिन करने दें. वेट, मैं आप लोगों को इसलिए इजी वाला तरीका बता रही हूँ जिसमें आप अरेबिक आईज जो हैं वो इजीली कर सकते हैं. और अच्छी अगर ब्लैक पेंसिल है आपके पास, जैसे कि ब्लैक पेंथर हमारी इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक पेंसिल आई हैव एवर यूज्ड इन माय होल लाइफ. और मैं मेकअप के बारे में बहुत पजेसिव हूँ, मैं ऐसे ही किसी चीज़ की तारीफ नहीं करती, बट इज वन ऑफ द बेस्ट पेंसिल आई हैव एक्चुअली यूज्ड, इट्स वेरी वेरी गुड. और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ऐसे. नाउ ये मेरा अपना पैलेट है जो मैंने पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट आई शेडर्स को मंगवा के सो इसको एक पैलेट के अंदर मैंने जो है वो बंद किया हुआ है. ये मेरा अपना मैंने पैलेट जो है वो बनाया हुआ है. सो इसमें बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं वो शेडोज हैं. और अब मैं इसमें से एक कलर लगा रही हूँ, ये जेडी ग्लो कॉस्मेटिक का कलर है. इट्स अ वेरी कॉपरिश टाइप का, वेरी वेरी नाइस कलर, आई लव इट. आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करती हैं आप मेकअप? फॉरएवर नहीं, फॉरएवर के प्रोडक्ट है बस नहीं, मुंह पर आटा लग रही है बस नहीं मुंह पर. मेहर मेहर जा, मेरा पुत्र पांडित हो जाके जा, शाबाश. किचन गंदा होया हुआ है, हमने तेरा 4G था वो खत्म हो जाना है, फिर तेरा मसला हो जाना है. मेकअप करना किस तरह से करे कोई आपसे सीखे. थैंक यू सो मच. अब मैंने इस तरह से कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा. एंड दिस कलर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर, मोस्ट पिगमेंटेड, आई लव दिस कलर. मैं भी इसका नाम भी बता देती हूँ, जेडी ग्लो कॉस्मेटिक का है. बिकॉज मैंने अपनी बहुत ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज रखी होती हैं तो मुझे पता होता है मेरा कौन सा कलर किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है और एक्चुअली कहाँ पे है. वरना नॉर्मली आधा टाइम जो मेकअप का है ना वो आपको चीजें ढूंढने में लग जाता है कि आपने कहाँ कहाँ रखी है. थैंक यू सो मच. और अब मैं क्या कर रही हूं कि मैं एक छोटा वाला ब्रश ले रही हूं, इतना भी छोटा नहीं है, और इसको थोड़ा सा यहां भी लगा रही हूं. सो इसका एक आर्च टाइप बन जाए ऐसे. ओके प्लीज आई आपका ब्यूटीफुल करें कहाँ का है, क्या आपका ब्यूटीफुल कड़ा कहाँ का है मेरी जान? मुझे याद नहीं होता है. अभी मैं आप लोगों को अपनी एंड में अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन की और सारी चीजें दिखाती हूँ, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ का क्या है. मैं कैसे बताऊंगी कौन सी. शुक्र है वापस आ गया. ये पैलेट कहीं से भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पैलेट मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड दिस पैलेट. तो मैं एवं ही तानू कमा जी यह पैलेट एथो मिल जाएगा. सो दिस इज माय ओन पैलेट. सो अब मैं उसी ब्लैक पेंसिल को अपनी आईज के ऊपर लगा रही हूं. एंड यू कैन सी हाउ जेट ब्लैक इज दिस. दिस इज ब्लैक पेंथर. आई थिंक इसकी प्राइस 1300 है. इट्स अ एक्चुअल जेट ब्लैक कलर. और जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे लाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इसको बंद कर दो.
और अब मैं जो है वो ब्लैक कलर ले रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ सो आई कैन गेट द फुल अरेबिक टच। यार कितनी स्मूथ पेंसिल है, ज़बरदस्त, थैंक यू। मैंने आपके साथ बहुत बुरी लग रही थी है। और थैंक यू मनूर सर्वर जहाँ मेरा बच्चा, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप बुरी लग रही हैं, मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ कि आप अच्छी लगे। और तो मेरे मेरे बस में तो यही है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि आप लोग अच्छे लगें, प्यारे लगें, क्यूट लगें। अरीना तेनू मेरे ना कितनी मोहब्बत है पुत्र, तू इन्नी देर तो बह के मेरी वीडियो देख रही है पुत्र। वो उठा लिया आपने आज मेरी वीडियो में चंगी नजर लगी है मोड़ पे है भाई, ए मोड़ चंगा है मेरे नाल, नजर लग लग गई है मेरी वीडियो नु हूं दोए दे बड़ा बड़ा सा ए लाशे साफ करके कर दे। रिफ्रेश योर लाइव, एक सेकेंड, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है वीडियो को। हु इज जिसने जिसको नहीं पसंद वो भाग गया। आयशा काजी, लाइफ में इतनी तुमने मेरी लाइव वीडियोस देखी और तुम्हें अभी तक ये चीज पता नहीं चली है कि अगर कोई बैड कमेंट्स कर रहा है तो उसको करने दो। जो भी बैड कमेंट्स करता है वो अपनी फैमिली और अपने बारे में आके बताता है। आप लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ आती है? जब भी आप लाइव आते हैं तो आप आके अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इफ पीपल आर कमिंग एंड डूइंग नेगेटिव कमेंट्स, लेट देम डू, और उनको ऐसा जवाब दें कि उनको समझ आ जाए, ठीक है? और अगर, और सबसे मजे की बात यह है कि जवाब क्यों नहीं देना हमने भी? सबसे पहली बात यह है कि पुत्र असी ताडे घर बह के मेकअप कर रहे हैं, दूसरी गल है कि तुसी असी ताडे वास्ते इतने इंपॉर्टेंट हाँ कि तुसी साडी वीडियो वेख रहे हो, ठीक है? सो इनके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो लोग, जो चीज ये लोग खुद नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को भी करते हुए नहीं देख सकते हैं। सो इनके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि इनको आप इग्नोर करें और इनके साथ इनको वही जवाब दें जैसा ये आपसे सवाल करते हैं। सो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पता नहीं बेचारी किस फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके यहाँ पे मैसेज करते हैं और फिर जाके लोग को बताते हैं, हाय मैंने आशा सिंह की लाइव के ऊपर किया था पुत्र, अगर तू अपनी असली आईडी तो मैंने पता होना तू कौन है, कितों आंदी है, तो तू मैनु फिर मैसेज किता होना, फिर भी तो मैं तेन दसती। तो हूँ अननोन आईडी से आके तुम लोग अगर मुझे कोई नेगेटिव कॉमेंट कर भी लोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब, क्या क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कोई भी नहीं। मुझे वैसे जिंदगी अंदर सिवाय टॉक्सिक पीपल लोगों को लीव करने के और कोई काम नहीं है। पुत्र मेकअप छाड़ दे, पहले पोएट्री सुना दे, मेकअप कर लवा की ख्याल है। एक सेकेंड, पहले मैं अरीना नूं तो ब्लॉक करा, बहुत सख्त जड़ है ना वो, इसको बड़े वाला कीड़ा तंग कर रहा है। चिट्टी क्रीम जिसने ऑर्डर नहीं की है वो अभी चिट्टी क्रीम ऑर्डर कर ले, 1500 हाइपर पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन, आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ के जितने प्रॉब्लम है सारे चिट्टी क्रीम से सॉल्व हो जाने हैं। सो यू डू ऑर्डर चिट्टी क्रीम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रीम। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको स्किन का क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका हल बताऊंगी। मैं लैशेज लगा रही हूँ जिनको, लैशेज के ऊपर जो इन्होंने डोल दिया है काफी सारी ग्लू, बट आई विल मैनेज टू पुट दीज लैशेस टिल, बहुत ग्लू डोली है आप दोनों ने मिलके माशाल्लाह। पहले ग्लू को हिलाते हैं फिर ग्लू को लगाते हैं ताकि वो डुले ना। आप कौन सी आई पैलेट यूज किया है? मेरी जान के टूटे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैंने कौन सा आई पैलेट यूज किया है। डियर सर, सिटी क्रीम में स्टीरॉइड्स हैं? मेरी जान चिटी क्रीम में स्टीरॉइड्स नहीं है, सो डोंट वरी।
वैसे तो आप लोग इतनी चीजें यूज करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना आपके फेस वॉश में कुछ होता है, ना आपके शैम्पू में कुछ होता है, ना आपके बॉडी वॉश में कुछ होता है। चिट्टी क्रीम के प्राइस जो है इस 1500, और जब जब मैं जब कोई अच्छी चीज आपको मिल रही है और एक्चुअली के अंदर मैं खुद यूज करके आप लोगों को बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको कोई गलत चीज तो नहीं रिकमेंड करूंगी और ना ही मैं बनाऊंगी। और अभी तक मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोग सारे यूज कर चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कभी भी कोई गलत चीज आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगी और ना ही कभी बनाऊंगी। सो ट्रस्ट। कौन सी लैशेज हैं प्लीज शेयर? ब्यूटीफाई बाय आमना की फराशा 6। अब मैं कॉन्टोर की तरफ आ रही हूं। ज्वेलरी का लिंक दे दें, ज्वेलरी का लिंक है सतरंगी ज्वेलर्स। सनब्लॉक अच्छा सा बता दें। सनब्लॉक मैं यूज करती हूँ सशीडो का, और मैं यूज करती हूँ सुपर गूप का, और मैं यूज करती हूँ जी, मैंने एक दो और ब्रांड अभी बताए थे, तो आप लोग भी वो यूज कर सकते हैं, या अगर आप लोग कोई और ब्रांड का यूज करना चाहें, अगर कोई सस्ता यूज करना है, सोलरिस का भी अच्छा है जो मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, दे आर डिफरेंट सनब्लॉक। बट आपने अगर चिट्टी क्रीम लगानी है तो आपने जो है वो सनब्लॉक जरूर लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, लेट मी ब्लॉक। फाउंडेशन कौन सा अप्लाई किया है? मेरी जान के टोटे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया है और कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई किए हैं। सईदा मरजान आपने क्या किया है मैसेज? अब मुझे क्योंकि मैट ब्लश लगानी है तो मैं मैट ब्लश ढूंढने की शदीद कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई मैट ब्लश मिल जाए। लेट मी फाइंड सम मैट ब्लश। ये देखो बच्चे, इसमें ब्रश पड़े हुए हैं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। ये मैट ब्लश नहीं है, मैट ब्लश होगी मेरी यहाँ पे शायद ये वाली, ये भी मैट नहीं होगी। लिप ग्लॉस रिकमेंड कर दें मेरी जान में, जैसे जैसे मेकअप करती जाती हूँ वैसे वैसे आप लोगों को रिकमेंड करती जाती हूँ। जितना वो मैं बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं LGBTQ के खिलाफ हूँ और मैं बड़ा डट के उनके खिलाफ हूँ, और मैं मर्दों को जनानियों बनने के बड़ा डट के खिलाफ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी खिलाफ रहूंगी। और कुछ अरसा पहले जब मुझे ख्वाब आया था और मैंने वीडियो बनाई थी और जो तुम मेरे बड़े फतवे लाए थे, पूरी दुनिया जहां से मुझे फोन करवाए थे, तो अच्छी बात है आप लोगों ने बिल पास करवा लिया है। और फिर जब आप लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो पिटते क्यों है, ना पिट्टा करें ना, ना पिट्टा करें ना, बड़ा अच्छा लॉ पास हुआ है। सुबह आपका दिल चाह रहा है, अगर आप लड़की हैं तो आप जो हैं वो अपने आप को नादरा में जाके कहें कि आज मुझे फील हो रहा है कि मैं लड़की हूं, तो आपका आईडी कार्ड लड़की के ऊपर बन जाएगा। अगले दिन शाम को आपको अचानक फील हुआ है कि नहीं मैं लड़की नहीं मैं लड़का हूं, तो आपका आईडी कार्ड जो है वो मुजक्कर से मुअन्नस पे बना दें। सो वाओ, दिस इज आवर कंट्री वी आर लिविंग इन, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, है ना, मजे की बात है ना। सो बहुत पहले ही जो है वो ये चीज मुझे करनी चाहिए थी। आई वाई कॉटेड ऑल दैट थिंग्स विच बिलोंग टू LGBTQ, और वो जो एक आता होता है शनुकड़ा मुइज खान, मुइज डॉक्टर मुइज जो अपने आप को वो बना हुआ है। सो सबसे पहले आप गूगल करें कि मतलब क्या है इन सारे वर्ड्स का, LGBTQ। एंड यस आई अनाउंस, मैं बिल्कुल भी वो जो आप हेट्रो समथिंग और ये वाले और वो वाले वर्ड्स बोल रहे होते हैं, आई एम नॉट हेट्रो फलाना फलाना, आई एम एक्चुअली एन इस्लामिक वुमेन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जब आपने LGBTQ का बिल पास करवाया तो उसका पहला लफ्ज जो है वो L है। सो L से क्या बनता है, कैन यू थिंक कि आपकी बेटियां जो हैं वो इस चीज में हों या इस चीज में शामिल हों। सो यू शुड नो। और उसके बाद फिर LGBT का मतलब क्या है, ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है। और सबसे मजे का वर्ड है बी क्या जो मतलब है ना, मतलब कि उन्होंने कहा है कि कोई इंसान और हैवान में फर्क ना रहे, सारे बराबर हो जाएं, तो इस वजह से उन्होंने बी वाला जो ऐड कर लिया है। यार मेहर में कह देनी है तेरी माँ फोन करके, तेनू ना जिन क्या करें।
चिटी क्रीम का मैं बता देती हूँ, अभी मैंने माथे वाला उतारा, मैं एंड में जरा वो थोड़ा उसको लगाऊंगी, ब्लॉक दिस मेहर, जी जान मैं मेहर को ब्लॉक करती हूँ। और मुझे बहुत पहले इस चीज़ पे स्टैंड ले लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे खुद अपने आप में गिल्ट फील होता था कि यार मैंने, मुझे वो वीडियो हटानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। बट आज मैं खुलेआम ऐलान करती हूँ कि हाँ जी मैं LGBTQ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं उस बिल के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो कि पाकिस्तान में पास हुआ है। बिकॉज एज एन मुसलमान, एज एन इस्लामिक, हम लोग किसी चीज़ पे तो हिस्सेदार बने। वैसे तो माशाल्लाह हम लोग दिन में इतने नेक काम करते हैं कि कर करके थक ही जाते हैं, एंड में माइक हम थक जाते हैं, क्योंकि वो काम इतने नेक होते हैं ना, सारा दिन कर रहे होते हैं, ज़ाहरी बातें चुगलियाँ करना, ज़ाहरी बातें इधर की बातें इधर करना, ज़ाहरी बातें फसाद डलवाना, ज़ाहरी बातें लोगों पर एहसान करके फिर पूरा दिन उनको गिनवाना, बहुत बड़े बड़े काम हैं जो हम सारा सारा दिन करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा मसला तो होता है ना। अस्सलाम वालेकुम पर्ल लेंजेस, हाउ आर यू? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ ब्रेव लेडी एंड आई एम अ मुस्लिम लेडी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब हमारी एक चीज़ जो है, मुझे नहीं पता जो लोग उनके साथ हैं उनके उनको कहते हैं जी उनकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। जो औरत है वो औरत है, जो मर्द है वो मर्द है, और जब कोई पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि उसका क्या जेंडर है। सो ये बिल्कुल आप मत करें कि जी उसको जो उसको ये फील ही नहीं होता, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपको फील हो जाए कि आज आप पागल हैं तो आप मेंटल हॉस्पिटल चले जाएंगे, और अगले दिन आपको फील हो कि नहीं नहीं मैं तो मेंटल नहीं हूँ, तो आप मेंटल हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। सो यू नो ये सो एक सेकेंड, मैंने उसको ब्लॉग तो किया था, एक सेकेंड मुझे देखने दें ब्लॉक दोबारा से। और सबसे बड़ी बात है कि ये करने से और ये करने से और ऐसे करने से और ऐसे करने से कोई जो है वो जेंडर चेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे होता है ये सारा कुछ। एंड दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, सो यू शुड नो दिस थिंग। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे लोग हैं, सो टेक देम टू द साइकियाट्रिस्ट एंड गिव देम फ्यू सेशन, सो ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। बिकॉज ये भी एक शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है कि वो जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, और वो हमें जो है वो डिफरेंट चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करे। और फिर गलत चीज़ के ऊपर ढीठ हो जाना, द मोस्ट वियर्ड थिंग, गलत चीज़ पे ढीठ हो जाना। मुझे पता है साइन ने बाद में मुझे डांटते हैं कि तुमने नहीं इस टॉपिक को डिस्कस करना था, मगर आई एम सो सॉरी कि जहाँ पे मेरा अल्लाह आता है और वहाँ पे मुझे कोई चीज़ नहीं है, एंड अल्लाह से इज नो, यू हैव टू से रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत गलत है, सही नहीं कर सकते आप उसको किसी भी सूरत। आफ्टर मेकअप, अंडर आई लाइन, अगर आपने सही तरीके से उसको अगर प्रॉपरली आपने किया हुआ है तो अंडर आई लाइन को कुछ भी नहीं होता। अच्छा आप, मैंने क्योंकि अरबिक लिपस्टिक करनी है तो मुझे उसके लिए जो है वो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे डार्क ब्राउन लिपस्टिक पहले ढूंढनी पड़ेगी, वेट करें, और फिर मुझे उसके अंदर मिक्स करनी पड़ेगी लाइट ब्राउन। जी फिजा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली अगेंस्ट LGBTQ, ओपनली, सो डू वट एवर यू वॉन्ट। हिजाब का वॉल्यूम देने के लिए क्या यूज करती हूं? कौन सा पैलेट? मेरी जान, मेरा ब्रांड है जो कि फॉर सेल है, उसके अलावा जो लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं बाया सेल कर दें। थैंक यू यार। देखो लिप प्लमर टू फेस्ट का जो लिप इंजेक्शन है, इट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। सो वील हैव सम हाइलाइटर टू,
और एंड में हम 10 मिनट बात करेंगे चिट्टी क्रीम के बारे में, या किसी भी टॉपिक पर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अबाउट योर किड्स, अबाउट योर फैमिली मैटर्स, अबाउट देर आर सो मैनी थिंग्स जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और आप नहीं कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली आपकी या मैं लिपस्टिक के कलर्स को ना मिक्स किया है, इसलिए आई हैव एक्चुअली नो आइडिया कि मैंने कौन सा वाला जो है ना कलर लगाया हुआ है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा जो ये टूट जाए. आई मेकअप टू गुड, थैंक यू. अब मुझे अरेबिक लुक को थोड़ी सी डायमेंशन देने के लिए कुछ करना पड़ा है जो मैं आपको लाइव पे नहीं बता सकती. यार फैमिली मैटर्स, नेम ले मेरा प्लीज. क्यों लूँ मैं आपका नाम बेटा? मेरे फूफी के बेटे हैं क्या, मैं आपका नाम लूँ? हैं, नेम ले मेरा. वेट लॉस प्लान, आई थिंक पतला तो मेरी जान आप लोग खुद होंगे, टिप्स मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह. यार आई नो आज वीडियो ने बहुत तंग की है, बट आई एम सो सॉरी. लिप्स टिप्स दें, किस चीज की टिप्स दूं? यार देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको स्विच करना है व्हाइट राइस से ब्राउन राइस के ऊपर, रोटी से आपको ब्राउन ब्रेड पे स्विच करना है, और कैलोरीज आपने काउंट करनी है, और आपने कैलोरीज काउंट करनी है, पानी की इनटेक आपने बहुत अच्छी करनी है. और जी दिस इज चिट्टी क्रीम, दिस इज 1500, दिस इज फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन एंड एवरी सिंगल थिंग. आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो चिट्टी क्रीम से बिल्कुल ठीक हो सकती है. लाइफ में मतलब आपके फेस की अगर कोई भी प्रॉब्लम है. और इसके प्राइस हैं जी 1500, मैंने पहले बता दी हैं, अस्मा हक वेव बैक. और इसमें अगर नहीं आएगा तो हम इसको ठीक है. उनके मुझे हिम्मत बहुत. सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, और ये सवाल अक्सर जो है ना बड़े बूढ़े आपसे पूछते होते थे कि अगर आपकी उंगली के अंदर दर्द होगी तो आप ऑब्वियसली हाथ नहीं काटेंगे. जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखेंगे अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है, ना कि उस प्रॉब्लम को भागना होता है और ना ही उस प्रॉब्लम को अंडर कार्पेट करना होता है. हमारी आदत होती है कि हम उस प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे दे देते हैं और फिर सॉर्ट आउट नहीं करते हैं. ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है. वो लोग कंप्लीट हो गए तो ये पहन लो. सो चीज़ों को अंडर कारपेट मत डालें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें. बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट होते हैं, चीज़ें करने से मसले सॉर्ट आउट होते हैं. सो बराए मेहरबानी बात करें, मसलों को सॉर्ट आउट करें, और फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं. और दूसरी बात यह है कि किसी का दिल दुखाना बहुत बहुत आसान होता है. आप किसी की भी कोई वीक पॉइंट लें और आप उसका दिल दुखा दें, बट उसको फिर जोड़ना जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और फिर उसका जो हिसाब किताब है बड़ा मुश्किल है. अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जो है आप लोगों में से कौन कौन जो है वो अल्लाह सुभान व तआला की किताब के ऊपर कितना कितना यकीन रखता है. नॉर्मली लोग होते हैं, कोई थोड़ा यकीन रखता है, कोई ज्यादा यकीन रखता है, कोई हर चीज में अल्लाह सुभान व तआला को पहले लेके आता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम और शुक्र है कि रब ताला ने हमारे ऊपर अपना इतना करम किया हुआ है. क्योंकि अगर अल्लाह सुभान व तआला हमारे ये राज खोल दे और अल्लाह सुभान व तआला हमारे दिलों को लोगों को दिखाना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी मुंह दिखाने को किसी को काबिल नहीं रहेगा. कि आप सोचें कि अगर हम किसी के पास बैठे और हमारे दिल के अंदर से आवाज आए जो हम दिल में उस बंदे के लिए सोचते हैं, तो आप लोगों के साथ क्या हो. सो
हमें प्राउड होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि हमें जो है वो हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप वो चीज़ें जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और उनके लिए आप परेशान होते हैं, वो जायज़ है आपका, वो आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। मगर जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं उनमें से एक चीज़ आप खुद है। आप पहले अपने आप को चेंज करें, आप पहले अपने आप को ठीक करें। जब तक आप ठीक नहीं होंगे आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। हाउ टू कवर नेक लाइन इन मेकअप। नेक लाइन इन मेकअप क्या मतलब? एक तो थोड़े पुठे जड़े सवाल होंगे ना, मैंने उन्हें वाकई समझ नहीं आती। अच्छा, अब एक बंदा जो है वो चिट्टी क्रीम जीत सकता है जब मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी। मेरी वीडियो के ऊपर जिस जो सबसे अच्छे कमेंट्स करेगा, जो सबसे ज्यादा टैगिंग करेगा, वो ये क्रीम जीत सकता है। एंड लेट्स सी कि कौन करता है। और अगेन जो पुरानी वाली चीजें हैं उस पर 50% ऑफ है, चिट्टी क्रीम पे ऑफ नहीं है। दिस इज फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन, जो भी सारा सारा कुछ है, ये ऐसे क्रीम है, इसको ऐसे लगाते हैं एंड जस्ट ब्लेंडेड, एंड 7 डेज के अंदर आपको मैजिक पता चल जाएगा। थैंक यू। गलत को गलत कहें, क्योंकि गलत जो है वो गलत ही होता है, और अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियां बांटने, और अल्लाह हम सबको खुशियां बांटने की तौफीक दे। और मुझे मैसेज करिएगा। कुछ दुख और तकलीफें ऐसी होती हैं कि जो आपके चेहरे से आयां होती हैं मगर आप अपनी जुबान से बोल नहीं सकते हैं। सो शायद मैं भी आजकल एक ऐसी ही प्रॉब्लम के अंदर हूं। और अगर मेरे चेहरे पे या मेरी पोस्ट पे या मेरी स्टोरीज के अंदर अगर आपको परेशानियां नजर आती है, तो कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, बट आप परेशान होते हैं। और मुझे भी आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई विश कि आप लोग मुझे अपनी दुआ में शामिल रखेंगे। और मेडल ले लेने से कुछ भी नहीं मिलता, होता वही है जो मेरा रब चाहता है, और जिसको वो मेडल देगा फिर वो तो तभी देखा जाएगा। वही बात है कि बुल्ले शाह पता तादलक सी जदों चिड़ी फंसी हाथ बाजा। सो देखते हैं। और आमीन इंशाल्लाह। और मैं अपनी पोइट्री जो है कोशिश करती हूँ कि मैं एक टिकटॉक की वीडियो बना के उसमें अपनी पोइट्री जो है वो सुना के और फिर वो पोस्ट कर दूँ, आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोग बार बार उस पोइट्री को सुने और फिर आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं। और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।